students, I am starting with the solid state 6. Okay, in this I am going to discuss with you close packing in crystals. क्रिस्टल में पैकिंग कैसी होती है, पैकिंग किसकी होती है, लेटर साइड्स की है? और लेटर साइड क्या होता है, लेटर साइड आपका एटम हो सकता है, वो आपका आयन हो सकता है, वो आपका मालिक्यूल हो सकता है, समझ लगी? और ये एटम आयन या मालिक्यूल वो सफियर है या नहीं, ठीक है, उसको हम सफियर मानते हैं बेटा, ठीक है। वी कंसिडर दैट मालिक्यूल आयन, ग्रुप ऑफ आयन भी हो सकता है, ठीक है, एटम, उसको हम सफियर मानते हैं। और उस सफियर के हम कहते हैं ये ऐसे सफियर पैक हो रहे हैं, तो ऐसे एक लाइन बनाई गई जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एज, ठीक है। नाउ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस, दो डायमेंशन में, टू थ्री नहीं, ये इस साइड की डायमेंशन, ये एक, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई वाई हो गया, ऊपर नीचे नहीं ले रहा, टू डायमेंशन। इसमें एक पैकिंग है, उसको बोलते हैं स्केयर क्लोज पैकिंग, स्केयर क्लोज पैकिंग। ये जो स्केयर क्लोज पैकिंग है बेटा, इसमें ऐसे है स्केयर क्लोज पैकिंग, तो ये एक सफियर है, ये दूसरा सफियर है, ये थर्ड सफियर, ये ऐसे सफियर चलते जा रहे हैं बेटे, ये स्फीयर्स आपके बनते जा रहे हैं, ये एक रो बन गई। मैं इसके नीचे दूसरी स्फीयर रखूंगा, मैं स्फीयर के नीचे स्फीयर रख रहा हूँ बेटा, जो दूसरी रो के जो स्फीयर हैं उनको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि वो स्फीयर के नीचे पहली रो का जो स्फीयर है, दूसरे रो का स्फीयर उसके नीचे आया, थर्ड रो का स्फीयर जो है वो सेकंड रो के स्फीयर के नीचे आया है, बीनीथ द स्फीयर ऑफ सेकंड रो, थर्ड के जो फोर्थ के आएंगे दे विल बी बीनीथ ऑफ द थर्ड स्फीयर, समझ लगे, ऐसे लिखते जाएंगे। यानी ये पहली रो के स्फीयर है, जो दूसरी रो के स्फीयर रखे हैं वो स्फीयर के नीचे स्फीयर रखा, ये एक टाइप की पैकिंग है। इस पैकिंग में ये सपोज आपका स्फीयर है, देखो इसको कितने टच, किसी एक को पकड़ लो है, उसको जे टच कर रहा है, उसको जे टच कर रहा है, जे टच कर रहा है, जे टच कर रहा है, जे इन चार को ज्वाइन करो जो इसको टच कर रहे हैं, अगर आप इन चार को ज्वाइन करोगे तो एक स्केयर बनता है, इसलिए हमने इस पैकिंग का नाम डाल दिया स्केयर क्लोज पैकिंग। मेरी बात समझ रहे, दोबारा समझा रहा हूँ, ये स्फीयर लिखे, कोई एक स्फीयर पकड़ लो, उसको देखो कौन कौन टच कर रहा है, जे कर रहा है, जे कर रहा है, जे कर रहा है, जे कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ठीक है, जो टच कर रहे हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करो, उनके सेंटर को ज्वाइन करके जो ज्योमेट्री बन रही है वो स्केयर बन रहा है, इसलिए हमने इस पैकिंग का नाम डाल दिया स्केयर क्लोज पैकिंग। अब देखो ये जगह ऑक्यूपाइड है और ये जगह खाली है, ये इसको वाइड कहते हैं, वाइड, वी ओ आई डी, वाइड मैंने खाली जगह, दांत होता है ना दांत में खाली जगह, उसको कहते हैं वाइड, ये वाइड है। इसमें जो ऑक्यूपाइड स्पेस है, स्केयर क्लोज पैकिंग में ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज 52.4%, यानी ये जगह जो है सॉलिड में ऑक्यूपाइड है और बाकी जो 47.6% जो है वो खाली जगह पड़ी है सॉलिड में, हमें दिखता है सॉलिड बीच में खाली जगह नहीं है, उसमें 47.6 जो है खाली जगह पड़ी, तो ये जो पैकिंग है इसको कहते हैं स्केयर क्लोज पैकिंग। आपको हमारी बात समझे, सॉलिड्स डू नॉट प्रेफर दिस पैकिंग, सॉलिड जो है वो इस पैकिंग को प्रेफर नहीं करते, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें खाली जगह बहुत ज़्यादा बच जाती है, सॉलिड वो वाली पैकिंग प्रेफर करते हैं जिसमें खाली जगह कम बचे। मैं अब आपको दूसरी पैकिंग बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं
hexagonal close packing, hexagonal close packing, जो आपका hexagonal close packing है बेटा, ध्यान से समझना, ये आपका sphere है, ये आपका दूसरा sphere है, ये ऐसे sphere बनाते जाओ बेटा, तो आपने बना लिया, एक edge बन गया बेटा आपका, ठीक है, edge बन गया, ठीक है, जो दूसरे दूसरी रो के जो सफेद लिख रहा हूं मैं बिलो द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लिख रहा हूं, अरे ये सफेद के नीचे लिखा, ये बीच में जो खाली जगह पड़ी है ना, डिप्रेशन बोलते हैं इसको, ये डिप्रेशन उसके नीचे लिख रहा हूं सफेद, जो सेकंड रो का जो सफेद है उसको मैं फर्स्ट रो के जो डिप्रेशन है उनके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, जो थर्ड रो के स्फीयर्स हैं उनको सेकंड रो के जो डिप्रेशन है उनके नीचे लिख रहा हूं, पहले मैंने स्फीयर के नीचे स्फीयर लिखा था पहले, अब मैं जो स्फीयर्स हैं वो जो अपर रो की डिप्रेशन है उसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, जो फोर्थ रो की जो स्फीयर आएंगे वो थर्ड रो के जो डिप्रेशन है उसके नीचे आएंगे, हो गया बेटा, ये हो गया राइट, अब देखो ये पैकिंग होगी, इस पैकिंग में जैसे वहां हमने एक को पकड़ा था, जहां किसी को पकड़ो कोई सेंटर में, ये पकड़ लिया सपोज, इसको पकड़ लिया, इसको देखो कौन कौन टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, हाँ ये भी टच कर रहा है, 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 उसको चार टच कर रहे थे, इसको सिक्स कर रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, सेंटर वाला आ गया ना, जो सिक्स हैं उनके सेंटर में ज्वाइन करो, उनके सेंटर में ज्वाइन करो, ये ऐसे ज्वाइन किया आपने, देखो कौन सी क्यूब शेप बनी है, एक ये बेंजीन की तरह बन गई, बनाना बना नहीं, ये आपका बेंजीन रिंग बन गई, बेंजीन की तरह रिंग बन गई, तो ये बेंजीन रिंग को कितनी साइड है उसकी, सिक्स, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल है, तो इसलिए इस ये जो स्फीयर है दैट इज इन टच विद सिक्स अदर स्फीयर, तो वो सिक्स के सेंटर में ज्वाइन किया तो वो ज्योमेट्री जो बनी वो हेक्सागोनल बनी, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आई थिंक आपको बात हमारी बड़ी आराम से समझ आ गई होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, किसी को भी पकड़ लो बेटा, जिसको भी पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, इसको भी ये टच कर रहा है, 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 ये टच, इनके सेंटर को ज्वाइन करो, ठीक है, सेंटर को ज्वाइन करो, ये आपका हेक्सागोनल बन गई है, तो दिस इज सराउंडिंग बाय सिक्स, दिस इज ऑल्सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके बेटा, अब देखो इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सॉलिड प्रेफर दिस पैकिंग, सॉलिड्स प्रेफर दिस, सॉलिड जो है 99% सॉलिड जो है इस पैकिंग को प्रेफर दिस पैकिंग, आपको मालूम है इस पैकिंग में जो उसमें 52.4 था हेक्सागोनल में 60.4% स्पेस इज ऑक्युपाइड, इज ऑक्युपाइड, इसमें 60.4% जो जगह है वो भरी हुई है सॉलिड में, लेकिन खाली फिर भी रह गई कितनी, 29.6 अभी भी इसमें वेकेंट खाली है, खाली किसकी वजह से, ये वाइड की वजह से, ये वाइड, आप कहेंगे जहां ये क्यों हुए, जहां वाइड बड़ा था बेटा, देखो ये वाइड बड़ा था, जहां वाइड छोटा हो जाता है और छोटा होने की वजह से जगह खाली हो जाती है, हम कहते हैं सॉलिड्स जो हैं इसमें मोस्ट इकोनॉमिकली स्पेस यूज करते हैं, सॉलिड जब इस पैकिंग में इस तरह की पैकिंग करते हैं दे यूज द स्पेस मोस्ट इकोनॉमिकली, आपको मेरी बात समझ आ गई, वो मोस्ट इकोनॉमिकली इस स्पेस को यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सॉलिड प्रेफर दिस पैकिंग, 60.4% स्पेस इज ऑक्युपाइड, तो सॉलिड जे वाली स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ओके बेटा,
एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा थ्री डायमेंशनल पैकिंग, ओके।